गुड मॉर्निंग मैनेजर्स, गुड मॉर्निंग बैंकर्स एंड हैप्पी सैटरडे, हैप्पी सैटरडे 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 राधे की रीजनिंग और आपका आज का शो। और होपफुली आप अच्छा कर रहे होंगे और बहुत अच्छा करेंगे, आप बिंदास अच्छा करेंगे, सबसे अच्छा करेंगे, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे आज हम फिर बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर करने वाले हैं और बहुत सारी वैकेंसी, IDBI भी आ गया, IDBI आ गया है ना, LIC का है ही आपका, उसका एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम है, उसका असिस्टेंट मैनेजर का भी एग्ज़ाम है ना, और आपका SBI बिल्कुल आएगा ही, आना ही आना है। सो देयर नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम, सो अपने आप को मैनेजर मान के चलो, बिंदास मान के चलो। सुबह उठते ही आज आपने बोला होगा, आई होप मैंने पहले बताया था लास्ट क्लास में कि आपको सुबह उठते ही अपने आपको क्या मानना है कि मैनेजर्स मानना है, आपको मानना कि मैं मैनेजर हूँ और मैं बैंकर हूँ और यस यस मेरे को, मैं उसी राह पर हूँ और मेरे को सेलेक्ट होना है, ठीक है। ठीक है, सो गाइज चलिए आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो पढ़ाई स्टार्ट कर दें और सारे लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं, ठीक है, तो पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। राधे राधे। हाँ, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्लास में देखो, लास्ट क्लास में हमने कोडिंग कोडिंग पढ़ा था, लेकिन मेरे को लगा कि और क्वेश्चंस भी उसके कराने चाहिए, तो मैं एक दो वैरायटी और कराना चाह रहा हूँ और अच्छे से हम चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, जिससे कि हमारे कोडिंग डिकोडिंग में जो 5 नंबर है ना, जो 5 मार्क्स है ना, वो एकदम क्या हो जाए, कंफर्म हो जाए, मतलब उसमें कोई डाउट ही ना रहे, एकदम कंफर्म। तो उस चीज़ को हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। SBI बिल्कुल आएगा कपिल, SBI आएगा और जो एक्सपेक्टेड है वो 15 अप्रैल अप्रॉक्स अप्रैल में आ जाना चाहिए, है ना। तो आपको अपनी तैयारी बिल्कुल लगातार बनाए रखनी है, यही तो पता चलता है यार, यही तो पता चलता था स्टूडेंट्स का कि बहुत से लोग कहते हैं नहीं आएगा तब पढ़ूंगा, और कुछ लोग हैं जो पहले से अपने आप को बैंकर मान के चल रहे हैं, मैनेजर्स मान के चल रहे हैं, तो वो अपनी तैयारी एकदम लगातार कंटिन्यू रखते हैं, और जैसे ही एग्ज़ाम आता है वो एकदम से अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो सभी जानते हैं। तो सर क्वेश्चन दिखाइए, अब क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे दी है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, और ऐसा क्वेश्चन आपने पहले किया भी होगा, जनरली ऐसा क्वेश्चन हमारे मेंस में आता है, जनरली ऐसा क्वेश्चन किस में आता है, मेंस में आता है। तो एक बार आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देखो क्या दिया हुआ है, 4 यहाँ पे कंडीशन है, 4 कंडीशन है, ठीक है, एक बार देख लो आप कंडीशन, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और टेंशन नहीं लेना, एकदम बिंदास पढ़ना है, बिंदास पढ़ना है, डरना नहीं है किसी से भी, किसी से नहीं डरना। और अगर आपका पड़ोसी ना, कोई पड़ोसी में, पड़ोस में कोई अंकल अगर आपसे कहता बेटा तैयारी कर रहे हो, है बेटा बहुत दिन हो गए, क्या बात है तैयारी करते रहोगे, तो उसे कह देना, उनसे कह देना, उनसे कह देना कि अजी क्या करूं, पिताजी पिताजी और घर वाले बोल रहे हैं कि बेटा पढ़े जा तू, बेटा पढ़ तू, जितना पढ़ सकता ना उतना पढ़, तो क्या करें, क्या करें अंकल, पापा कह रहे हैं कि बेटा पढ़ और पढ़। तो उसके बाद वो दोबारा सवाल नहीं करेंगे, तो इसलिए लोगों से घबराना नहीं है, उनके क्वेश्चन का आंसर दो, बिंदास बिंदास आंसर दो, जिससे कि दोबारा क्वेश्चन करते समय 4 बार सोचें वो कि भाई क्या क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। हाँ, तो अब आपने इंस्ट्रक्शन देख लिया, ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ सर, नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ, हाफ स्लाइड देखो। अब यहां पे आपकी कंडीशंस थी, और पहली कंडीशन है ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, देन दे आर एडेड टू ईच अदर, रेकनेस इफ द ऑड नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, तो देन द सेकंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, एंड द थर्ड कंडीशन इफ द इवन नंबर इज फॉलोइंग बाय अ नंबर व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर, देन सेकंड नंबर इज टू बी डिवाइडेड बाय द फर्स्ट नंबर, एंड द फोर्थ वन इज इफ इवन नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, देन फर्स्ट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड नंबर। आपने जो क्वेश्चन किया होगा ना, जैसे इन जनरल मैंने पहले भी ऐसा क्वेश्चन कराया, तो आपने तीन, एक रो में पर्टिकुलर 3 नंबर के बेसिस पे किया होगा, आज मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं जहां 4 नंबर भी हो सकते हैं, हम बदलते हुए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, तो हम ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहां पे नंबर 4 भी हो जाए, तो क्या समस्या है। अगर आपका सपोज करो अपकमिंग एग्जाम में ऐसा हो जाए और मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूं, तो आपके दिमाग में पहले से रहेगा भाई यार ऐसा क्वेश्चन तो किया भाई, कोई दिक्कत नहीं है मैं कर लूंगा, ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए क्वेश्चन को देखकर, ठीक है, ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए क्वेश्चन को देखकर। अब जैसे क्या है, जनरली आपने देखो 3 नंबर वाला क्वेश्चन किया है, जैसे सपोज करो 3 नंबर वाला क्वेश्चन किया, 4, 9, 16 ऐसे क्वेश्चन आपने किया है कि भाई ये फॉलोड बाय ये फॉलोड बाय ये, ऐसे, ठीक है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 4 नंबर वाला,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, उसके बाद आप एकदम बिंदास भी में इसको करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से समझना, जो क्वेश्चन है उसमें एक रो में देखो, पहली रो में क्या दिया है, फर्स्ट रो में 55 है, ठीक है, 45 है, ओके, 12 है और क्या है 6 है, समझना। दूसरी रो में क्या है, 25 है, 10 है, 30 है और क्या है 16 है। अच्छा आप चार नंबर जनरली देखे हैं आपने, फोर नंबर देखे हैं, यहाँ पे कितने नंबर है, नहीं जनरली तीन नंबर देखे हैं, यहाँ पे कितने नंबर है, यहाँ पे कितने नंबर है, चार नंबर है। 51 आंसर कैसे आ गया अश्विन, 51 कहाँ से आंसर आ गया, कंडीशन को फॉलो करना है ना, 51 कैसे आंसर आ गया। हाँ आंसर तो अभी समझ में नहीं आया भाई, आंसर कैसे आ गया निकाल दो, अगर आप निकाल रहे हैं तो पहले मैं आपको टाइम देता हूँ, देखो अपन कोई दिक्कत नहीं, पहले आप निकालो, फर्स्टली आप सॉल्व करो, देयर आर फोर नंबर्स इन अ रो, देयर आर टू रो, दो रो हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, एक रो में चार नंबर हैं, दूसरी रो में भी चार नंबर हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पे लोगों ने आंसर निकाला 51, अब 51 कैसे आया ये हमारी समझ से थोड़ा सा अलग जा रहा है। 639 फाइनल आंसर बताया है हर्ष द जोशी ने, मतलब ऐसा क्वेश्चन तो पहले भी किया हुआ है, क्या दिक्कत हो गई, ऐसा क्वेश्चन तो पहले भी किया हुआ है भाई, बट ये बस डिफरेंस है, उसमें थ्री डिजिट था, इसमें चार डिजिट है ना। अब 720 सेकेंड रो 81, ओके, अब मेरे को करेक्ट आंसर यहाँ पे मिल रहा है, धीरे धीरे मिल रहा है, धीरे धीरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझाऊं, पांच नंबर भी हो जाए ना तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अगर पांच नंबर भी हो जाए तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, समझ वो होनी चाहिए। देखो 55 है, उसने क्या बोला है? पहली कंडीशन देखो, ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये कंडीशन नहीं लगेगी। दूसरी कंडीशन ऑड बाय ऑड, हाँ ऑड बाय ऑड, कंडीशन नंबर सेकंड, ऑड नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर, देन सेकंड नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या हुआ देखो, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ऑड नंबर है दोनों, और फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आ गया 10 आ गया। गलती हमारी क्या होती है, हम 45 का कंपैरिजन 12 से करने लगते हैं, ना ना ये नहीं करना है आपको, ना ना क्या करना है, जो फर्स्ट इन दोनों नंबर्स का जो रिजल्टेंट है, जो रिजल्टेंट है उसका कंपैरिजन नेक्स्ट नंबर से, ऐसा आईबीपीएस क्लर्क में आया है, ऐसा एसबीआई क्लर्क मेंस में आया है, समझ में आ गई बात। हाँ फर्स्ट दोनों नंबर्स का जो रिजल्टेंट है उसका कंपैरिजन नेक्स्ट नंबर से। अब क्या हुआ है, 10 इज एन इवन नंबर, ये क्या है इवन नंबर, इवन नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर, तो कंडीशन नंबर हो गई लास्ट, फोर्थ, फोर्थ, आई अगेन रिपीट फोर्थ, बहुत ध्यान समझो, दूसरा क्वेश्चन मैं पूछूंगा तो फिर उड़ा देना, वो देखते उड़ा देना उसे, क्लियर है। सो नहीं नहीं सही है अस्मिता आपका सही है, इवन नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर तो मल्टीप्लाई है, इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना रिजल्टेंट आएगा 120, फिर 120 फॉलोड बाय 6, 120 फॉलोड बाय 6, यहां से रिजल्टेंट क्या आया 120 आया, इवन नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर, फिर दोबारा क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो पहले का जो रिजल्टेंट है बच्चों वो क्या है 720, एकदम क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, इन दो का रिजल्टेंट कंपैरिजन विद नेक्स्ट नंबर, इन दो का रिजल्टेंट कंपैरिजन विद नेक्स्ट नंबर, फाइनल रिजल्टेंट ऑफ द रो फर्स्ट, क्लियर है, ओके। सेकंड 25 के बाद क्या 10 है, ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर, ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर, तो कौन सा लगेगा पहला लगेगा, दे आर टू बी एडेड, क्या करना ऐड करना, क्या हो जाएगा 35, ओके 35 करना है। अब ऑड नंबर अगेन फॉलोड बाय इवन नंबर, यही कंडीशन रिपीट होगी, यही रिपीट होगी, तो क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 65, अगेन ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर, क्या करना है दोबारा से ऐड करना है,
इनको ऐड करोगे क्या आएगा 81। हमें पूछा क्या था भाई, पूछा था रिजल्टेंट ऑफ सेकंड रो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट रो, तो आंसर इज, आंसर इन दोनों को माइनस कर देंगे, डिफरेंस इसका क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा 639। 639 इज द आंसर, जिसका आंसर 639 है, परफेक्ट एकदम, वेल डन, कीप इट अप, एक्सीलेंट, ऑसम। समझ में आ गया भी सबका, एकदम क्लियर होना चाहिए, किसी को भी कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। मैं एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, एक मेंस में आता है लगातार, दो साल से मेंस में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मेरे भैया तीन हो या चार क्वेश्चन आ रहा सर, एक बार हमने जनरली क्वेश्चन किया है थ्री के बेसिस पे, आज हम कर रहे हैं चार के बेसिस पे, चार हो या पांच हो आपको तरीका क्लियर होना चाहिए। जैसे हम थ्री में करते थे, मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा अभी, 4, 6, 9 कोई नंबर्स हैं, इनका जो रिजल्टेंट आया उसका कंपैरिजन इससे, और फिर जो फाइनल रिजल्टेंट आता था वो करते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चार हो गए, इनका रिजल्टेंट ये, इसका कंपैरिजन नेक्स्ट से, रिजल्टेंट ये, इसका कंपैरिजन नेक्स्ट से, फाइनल रिजल्टेंट ये। सबको क्लियर है तो से यस यस यस, अगर आपको क्लियर है से यस यस यस, एंड इफ यू वांट नेक्स्ट क्वेश्चन देन ऑफकोर्स। पहले आप ये बताओ कि सबको क्लियर है कि नहीं है, मैं हर बंदे को लेकर चल रहा हूँ, एक बच्चे को, सबका क्लियर होना चाहिए। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है कंडीशन के बेसिस पे, वो उसका कंपैरिजन नेक्स्ट नंबर से मेरे बच्चों, रिजल्टेंट ये, फिर उसका कंपैरिजन नेक्स्ट नंबर से, रिजल्टेंट ये एज पर द कंडीशन, फिर इसका कंपैरिजन किया ऑड के बाद इवन आया तो 35 का नेक्स्ट नंबर से ऑड के बाद इवन आया तो एडिशन हो गया 65, फिर ऑड का इवन से एडिशन हो गया 81। अगला क्वेश्चन दीजिए सर, सबका क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर सब बताओ, सबको बताना है सेकंड क्वेश्चन का आंसर, एक भी बंदा ऐसा नहीं रहना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए सेकंड क्वेश्चन का, सबका आंसर आना चाहिए, कम ऑन। क्या पूछा था अंकुश, कह रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर था, अरे भाई परफेक्ट स्क्वायर था लेकिन यहाँ पे क्या है, वो कंडीशन दूसरी थी। एक बार दिखाना सर, पहला क्वेश्चन दिखाओ एक बार, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज है कंडीशन में, मैं क्लियर कर देता हूँ। आई थिंक कुछ लोगों ने कहा है ये परफेक्ट स्क्वायर था, आई एग्री परफेक्ट स्क्वायर था, लेकिन बच्चे वहाँ पे क्या कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर वाली कंडीशन कहाँ पे है, इवन नंबर, थर्ड कंडीशन है इवन नंबर फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर, ये 65 तो इवन नहीं है ना, उसने क्या कहा, अगर इवन नंबर फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर तो आप थर्ड वाली कंडीशन लगाते, अब थर्ड वाली कंडीशन लगेगी नहीं क्योंकि 65 तो क्या है, ऑड है, इसीलिए मैंने वो 16 को स्क्वायर नहीं माना, क्योंकि थर्ड कंडीशन यहां पे मैं लगा नहीं सकता, तो मैंने क्या माना, ऑड के बाद इवन वाला माना, कौन सा माना, फर्स्ट कंडीशन माना। क्लियर है, चलो दोबारा दिखा दो सर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ चुका है सभी का 72। थर्ड कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल सुमित खान, बिकॉज 16 इज ए स्क्वायर बट 16 इज नॉट फॉलोड बाय इवन नंबर, दैट्स वाई, बिकॉज 16 इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, इसलिए हमने फर्स्ट कंडीशन को लगाया था। इस क्वेश्चन का आंसर देखो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे तो देखो क्या होगा, अब यहां पे समझना, क्वेश्चन क्या कहता है, 37 ठीक है ऐसे लिखना, चलो 37 कहता है 35, 6, 144 ओके, दूसरा 4, 12, 144 एंड 2। अब यहां पे कंडीशन आपको लगानी है, अब ध्यान समझना, यहां पे कंडीशन लगाएंगे सब लोग, ध्यान समझना ठीक है, ओके कर्नाटका जी सुनो, ऑड के बाद ऑड है, ऑड के बाद ऑड है, तो ऑड के बाद जब ऑड फॉलो हो रहा है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कौन सी कंडीशन लग रही है, सेकंड कंडीशन लग रही है ठीक है, 2 फॉलोड बाय इवन नंबर, इवन नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर, तो कंडीशन कौन सी लगेगी, फोर्थ कंडीशन कौन सी लगेगी, फोर्थ, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे क्या आएगा, 12 ठीक है। अब 12 के बाद क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, इवन नंबर के बाद परफेक्ट स्क्वायर है,
नाउ कंडीशन नंबर थर्ड इज एप्लीकेबल, नाउ कंडीशन नंबर थर्ड इज एप्लीकेबल। अब कौन सी कंडीशन होगी? थर्ड कंडीशन एप्लीकेबल होगी, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन एप्लीकेबल होगी तो भाई क्या होगा? उसने क्या बोला थर्ड कंडीशन? इवन नंबर फॉलोइंग बाय परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या करेंगे? सेकंड नंबर इज डिवाइडेड बाय द फर्स्ट नंबर, मतलब 144 मस्ट बी डिवाइडेड बाय द फर्स्ट नंबर, द फर्स्ट नंबर इज 12। जो दो नंबर है ना, पहला नंबर दूसरा नंबर, तो डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहां पे? क्या आएगा? 12। तो पहले का क्या आ गया? 12। क्लियर है सबका? समझ रहे ध्यान से एकदम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आप सुनो क्या कहता है, इवन नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर, इवन नंबर के बाद क्या? इवन नंबर है, कौन सी कंडीशन लगेगी? फोर्थ वन, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, ठीक है। कितना आ गया? 48 आ गया। 48 के बाद क्या है? 144, क्या करेंगे? इवन नंबर के बाद परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, तो भाई इसको डिवाइड कर लो 48 से, जो फर्स्ट नंबर है से डिवाइड कर लो, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे तो फिर क्या आएगा? इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा? कितनी बार गया? थ्री टाइम्स। कितनी बार गया? थ्री टाइम्स गया, थ्री टाइम्स आएगा। अब उसके बाद इवन के ऑड के बाद क्या? इवन नंबर है, ऑड के बाद क्या? इवन नंबर है, तो ऑड के बाद इवन नंबर क्या करेंगे? ऐड करेंगे, कितना आएगा? 6। पूछा क्या था हमें यहाँ पे? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई पूछा है, तो 12 × 6 कितना आ गया? 72। सबका आंसर 72 आना चाहिए। भारत सिंह 72, क्या सबका आंसर 72 है? 36 कैसे आ गया? सबका आंसर 72 आना चाहिए। सबका क्लियर है? हाँ, सबका क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर है भाई। 12 × 5 नहीं नहीं 6 आया ना, ये 6 आएगा भाई, ये क्या है? सॉरी, ये क्या है? 12 60 आया क्या? मैंने क्या कर दिया? एक सेकेंड, यहाँ पे देखो 3, अच्छा यहाँ पे किया है, अच्छा ऐड किया, सॉरी और नंबर क्या दिया नंबर, सॉरी ये 5 है, ये 5 है, और 12 × 5 करोगे 60, सॉरी यहाँ पे क्या आ गया? 3 और ये 2 ऐड करना है, ठीक है और नंबर इवन नंबर फॉलोड बाय और नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर, तो दोनों क्या करना है? ऐड करना है तो 12 5 आ गया और ये 60 आ गया, ठीक है करेक्ट 60 आंसर, ठीक है ओके गाइज, हाँ ठीक है, मैंने वो मल्टीप्लाई कर दिया था। नाउ क्लियर, 60 आंसर सबका है, सबका आंसर 60 है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ओके भाई मैं मान गया, 60 आंसर है भैया, 60 आंसर है, कोई बात नहीं। यहाँ 6 नहीं है, यहाँ 5 था, ये रहा उनका एडिशन था। अब सबका क्लियर है? ओके, अरे 60 होगा भाई, मान गए। ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन अड़ाई सर, एक बार ये कॉन्सेप्ट सबका क्लियर होना चाहिए। अगर आप आगे से 4 नंबर आते हैं तो आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी तक हमने 3 नंबर्स के बेसिस पे किया था, अब मैंने यहाँ पे 4 नंबर के बेसिस पे आपको कराया है। अगर 4 नंबर के बेसिस पे क्वेश्चन आता है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आराम से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई थिंक सबका अब क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है, ये क्लियर है, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन का आपको लॉजिक फाइंड आउट करना है, सभी तैयार रहना, ठीक है। 4 मंडे पॉजिटिव, ठीक है, डिसेंट साउंड, लॉजिक निकालना स्टार्ट करना आप, @6b, @5r, @5w, and 7c लॉजिक निकालना स्टार्ट करना सारे लोग। पर्सन अटेंड डेली स्टडी, ठीक है, *6w@5b, ठीक है, @6w@5l थर्ड सेंटेंस है,
और मैं जब तक इस क्वेश्चन को कंप्लीट करूँ तो आपका आ जाना चाहिए कि लॉजिक क्या था। रेगुलर कॉल, बैंकर, व्हाट, हैज 8P, स्टार 3J, एट द रेट 5P, स्टार 3R, ओके। द लास्ट सेंटेंस इज पिक्चर परफेक्ट क्वालिटी मोबाइल, ठीक है, हैज 8P, एट द रेट 8R, हैज 5C एंड हैज 8W। क्वेश्चन आपको पसंद आएगा, ये क्वेश्चन मैंने बनाया है कल ही कल में बनाया था और अच्छा क्वेश्चन बनाया मैंने, आपको पसंद आएगा बिल्कुल। और इस बार आप इसको लॉजिक निकालिए, अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगेगा, अपने एफर्ट्स लगाओ, अपने दिमाग को लगाओ, एकदम परफेक्ट लगाओ, और आप लगा सकते हैं क्योंकि आप सारे लोग ना बेहतरीन हैं, सारे लोग आप बेहतरीन हैं, आप लगा सकते हैं, आप लगाओ कि यहाँ पे क्या आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन जो भी लॉजिक लगाना ना वो चारों सेंटेंस में सेम आना चाहिए। मैं यहाँ पे कुछ कमेंट देख रहा हूँ जो कि उस वे में नहीं है, मैं कुछ कमेंट देख रहा हूँ जो कि इस वे में नहीं है। और हाँ, एक और चीज़, लॉजिक लगाते लगाते जिन्होंने लगा लिया लॉजिक, वो इस वीडियो को लाइक भी कर दो और अभी की अभी शेयर भी कर दो, जिससे कि लोग और इन्वाइट हो जाएँ और हमारा और एंथुजियाज्म बढ़ जाए चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो पढ़ते पढ़ते लाइक भी करो और शेयर भी कर दो, कॉम्पिटिशन बढ़ने दो, है ना, और चीज़ें चलने दो। कुछ लोगों ने गलत लॉजिक निकाल दिया है, मैं देख रहा हूँ कमेंट में, मैं कमेंट में लगातार देख रहा हूँ, कुछ लोगों ने गलत लॉजिक लगा दिया है, वो ऐसा नहीं होगा। जो भी लॉजिक आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, हाँ, एकदम सभी में सेम आना चाहिए ना यार, सभी में सेम आना चाहिए, ठीक है, सभी में सेम आना चाहिए, सभी में सेम आना चाहिए भाई। लास्ट लेटर साउंड विल नॉट कम, निकालो, इसमें क्या कर सकते हैं, निकालो, आप निकालो, सी बी है ना, ये सी है, डब्ल्यू है, आर है, बी है, ऐसे है। कितने लोगों का निकला है, लास्ट वर्ड का अपोजिट कहां हुआ, अपोजिट कैसे हुआ, डी का डब्ल्यू अगर कर दोगे, टी का जी कर दोगे, टी का जी होता है ना, फिर कहां है, जी तो है ही नहीं इसमें, जबरदस्ती। अच्छा, मैंने एक बात बताई थी कि हम सिमिलरिटी इज द बेस, यहां जो बेस होता है वो सिमिलरिटी होता है, मैंने एक बात बताई थी, नहीं बताई थी, तो मैं बताऊं कैसे करना है। सिमिलरिटी इज द बेस, सिमिलरिटी इज द बेस, आपको सिमिलरिटी पे ध्यान देना है। अब कैसे ध्यान दोगे उसको समझो, सपोज करो भाई मेरे को ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, तो मैं कैसे करूंगा, तो मैंने देखा कि मैंने क्या देखा, हाँ, एक तो मैंने देखा तीन जगह पे ना एट द रेट क्या है, सेम है, एक तो मैंने ये देखा, दूसरा मैंने क्या देखा, तीन जगह पे जो है से ना वो क्या है, यहाँ पे सेम है, सिमिलरिटी देखो, आप देखो ना, सिमिलरिटी देखो करो, यहां देखो दो जगह पे पी क्या है, तो दो वर्ड्स में कोई ना कोई सिमिलरिटी होगी, यहां पे तीन वर्ड में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी जरूर होगी, सिमिलरिटी इज द बेस। आपको मैं इस तरह से यहां समझा रहा हूं जिससे कि चीजें बहुत एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है, पजल की बुक में बता देंगे, विष्णु भी बताऊंगा, पहले इसको कर लें। तो यहां आप देखो सिमिलरिटी इज द बेस, अब कैसे सिमिलरिटी पे आप देखोगे, ध्यान दोगे, एट द रेट तीन में, तो तीन सिमिलरिटी यहां पे आनी चाहिए। क्या सिंबल कैसे आता है, फर्स्ट लेटर के बेसिस पे आता है, या लास्ट लेटर के बेसिस पे आता है, या नंबर ऑफ लेटर के बेसिस पे आता है, नंबर ऑफ वोवल्स के बेसिस पे आता है, ऐसे तो आता है सिंबल, ऐसे तो सिंबल आता है, तो सिंबल क्या है, फर्स्ट लेटर के बेसिस पे आ रहा है, या लास्ट लेटर के बेसिस पे आ रहा है, या नंबर ऑफ लेटर के बेसिस पे आ रहा है, या नंबर ऑफ वोवल्स के बेसिस पे आ रहा है, तो उस तरह से आप एनालाइज करोगे। सो व्हाट, यहां पे फर्स्ट लेटर सेम है क्या, तीन में नहीं है, लास्ट लेटर तीन में सेम है क्या, नहीं है, हम सिंबल को देखने जा रहे हैं, क्लियर, ओके, नंबर ऑफ लेटर सेम है क्या, लेट्स सी, नंबर ऑफ लेटर सेम है क्या, साउंड में एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच छह है, इसमें सात है, इसमें आठ है, ना फर्स्ट लेटर सेम, ध्यान देना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान दो सारे सारे लोग एकदम, लिसन केयरफुली, ना तो फर्स्ट लेटर सेम है, ना लास्ट लेटर सेम है, ना
नंबर ऑफ लेटर सेम है, एक और जो बेसिकली आना चाहिए, नंबर ऑफ वोवल्स, नंबर ऑफ वोवल्स आया दिमाग में, हट गया, आया तो बोलो यस, क्या आया? नंबर ऑफ वोवल्स भी तो हो सकता है भाई, किसी भी जिसमें नंबर ऑफ वोवल्स सेम सेम के रेस्पेक्ट में भी हो जाता है ना। तो नंबर ऑफ वोवल्स के रेस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो क्या देखूं? अब देखो नंबर ऑफ वोवल्स के रेस्पेक्ट में, हाँ इसमें भी दो वोवल हैं, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं, तो एक सिमिलैरिटी मेरी क्या मिली कि दो जो वोवल आ रहे हैं उसमें क्या आ रहा है एट द रेट। अगर ऐसा है तो आगे फर्दर मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा, फर्दर मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है, दिमाग तो चलाना पड़ेगा भाई, है ना। अब मैंने क्या देखा, ओके यहां भी तीन जगह पे एट द रेट है, तुरंत उसी रेस्पेक्ट में कैच करो, पहले पहले लॉजिक को कंफर्म कर लो, कंफर्म होता है जब थोड़ा सा और हम देखेंगे आगे। तो क्या यहां पे भी ऐसा है? यस, पर्सन में कितना है? दो वोवल है। अटेंड में कितना है? दो वोवल है। डेली में कितना है? दो वोवल है। यस यस, क्या आएगा ऐसे निकल के आएगा? यस तो मतलब दो वोवल है तो क्या हो गया? एट द रेट। ये क्या हुआ? यस, आना चाहिए ना, आना चाहिए। तो मतलब ये आ गया, अब मेरे एक क्लैरिटी और आई कि अगर वन वोवल है तो होपफुली स्टार है, फिर ऐसे कैच करो। क्या होगा इनमें तो पता नहीं ना, कौन किसका ये नहीं पता लग रहा है, तो हमें तो बाकी भी लॉजिक निकालना है, लेटर का भी निकालना है, नंबर का भी निकालना है, तो इसीलिए सिंगल किसका क्या मिल रहा है उसको कैच करो। दिस इज द वे एक्चुअली जो मैं कर रहा हूं, दिस इज द वे, ऐसे वे है, परफेक्ट वे ऐसे है। अब स्टडी का मुझे मिल गया स्टार, है ना, स्टार यहां पर भी है भाई, तो यहां भी कोई एक ऐसा होगा जिसका एक ही वोवल होगा, ये रहा व्हाट, सो व्हाट का क्या मिला? ये रहा स्टार। अब मेरे को स्टडी का जब ये मिला है, डब्ल्यू किस से रिलेट करूंगा मैं? डब्ल्यू कैसे रिलेट करूंगा? फर्स्ट लेटर से रिलेट होगा, कैसे रिलेट करूंगा? तो देखो एक कैच आप कर रहे हो, टी माइनस टू करोगे तो आर आएगा, वाई माइनस टू करोगे तो डब्ल्यू आएगा। देखो एक वोवल है तो स्टार है, एंड लेटर कैसे आया? लास्ट लेटर माइनस टू, लास्ट लेटर माइनस टू, लेटर कैसे आया? लास्ट लेटर माइनस टू, और सिंबल कैसे आया? सिंबल कैसे आया? सिंबल कैसे आया? नंबर ऑफ, नंबर ऑफ वोवल्स इन अ वर्ड, नंबर ऑफ वोवल्स कैसे आया? सिंबल। लेटर कैसे आया? लास्ट लेटर माइनस वन, लास्ट लेटर माइनस वन। एंड और देखो आप, डी क्या हो जाएगा? माइनस टू हो गया, टी माइनस टू क्या हो जाएगा? आर, ई माइनस टू क्या हो जाएगा? सी, वाई माइनस टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। समझ में आ रही बात? लास्ट लेटर माइनस टू, लॉजिक एकदम क्लियर है। लास्ट लॉजिक बचा नंबर का, नंबर कैसे आया? नंबर कैसे आया? अब देखो साउंड का हमारा सिक्स है, ठीक है, यहां पे सिमिलरिटी आप देखो, दो सिमिलरिटी मेरे को दिख रही है। क्या सिमिलरिटी दिख रही है? यहां पे दो में क्या है? फाइव फाइव है, इसकी सिमिलरिटी कैच करो। और फाइव फाइव है तो आर और डब्ल्यू किसका है? आर और डब्ल्यू एक तो मंडे का है और एक डिसेंट का है, आर इसका है डिसेंट का, तो मंडे में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स लेटर है, इसमें क्या है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अगर सिक्स लेटर है तो दोनों में फाइव फाइव है, ओके। अब बी किसका आया इसको भी देखो, फिर कंफर्म करो, गलती कहीं नहीं होनी चाहिए। डी का माइनस टू करेंगे तो बी आएगा, तो मतलब क्या हो गया? अटेंड में कितना है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, मतलब अगर सिक्स नंबर ऑफ लेटर है मतलब क्या हो गया? इवन है। अगर इवन नंबर ऑफ लेटर है, इवन नंबर ऑफ लेटर्स क्या हो रहा है? माइनस, सॉरी, इवन नंबर ऑफ लेटर तो क्या हो रहा है? माइनस वन। क्या हो रहा है? माइनस वन, क्योंकि सिक्स, फॉर एग्जाम्पल में सिक्स माइनस वन क्योंकि क्या आ गया? फाइव आया। अब सुनो आप,
साउंड में कितना है, 1 2 3 4 5, तो साउंड का हमारा क्या आया, 6 आया। यहां पे स्टडी में 1 2 3 4 5 कितना आया, 6 आया। तो मतलब अगर ऑड नंबर ऑफ लेटर हैं, इफ ऑड नंबर ऑफ लेटर्स क्या हो रहा है, प्लस वन, क्या हो रहा है प्लस वन। फॉर एग्जाम्पल 5 + 1 = 6, फॉर एग्जाम्पल 5 + 1 = 6, सबका समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है, अब आप देखो फाइनली और देखें पिक्चर में, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो पिक्चर का मेरा क्या होना चाहिए, 7 क्या ऑड है, ऑड प्लस 1 होना चाहिए तो 8 आना चाहिए। तो e माइनस 2 क्या करेंगे आप, e माइनस 2 क्या करेंगे, यहां पे पिक्चर में कितना 1 2 3 4 5 6 7 है तो प्लस 1 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, तो यहां पे कोई मैंने गड़बड़ की है पिक्चर में, माइनस 2 करेंगे c आएगा, यहां पे कुछ गड़बड़ है ना, एक मैं मिस्टेक सही कर लेता हूं, 1 2 3, t माइनस 2 क्या हो जाएगा r, ये तो इसका आ गया, y माइनस 2 क्या हो जाएगा w आ गया, e माइनस 2 c आ गया, ये भी e है तो यहां c होगा, हैज 1 1 2 3, अगर 3 हमारे है तो है सर, ठीक है सी होगा, ऐसे है, चलो अब ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अब सबका ठीक है। तो मतलब क्या है, लॉजिक मैंने यहाँ पे क्लियर किया है, नंबर का क्लियर किया है, लेटर का क्लियर किया है, सिंबल का क्लियर किया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबका क्लियर है, सबका क्लियर है कि नहीं है, बोलो यस यस यस, सबका क्लियर है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन अच्छा बना, हाँ मैंने पी हटा दिया, वो उसी कर दिया, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा बनाया है, अगर आपने वास्तविक क्वेश्चन आपको पसंद आया, क्वेश्चन मैंने बनाया था ये आप ही के लिए बनाया और कल ही बनाया था, तो अगर पसंद आया तो से यस यस यस, यू कैन, आप लाइक भी कर सकते हैं, क्वेश्चन आपको पसंद आया तो मैं आगे ऐसे भी और भी ऐसे क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन का होना बहुत जरूरी है, हम कुछ भी आलतू फालतू लगाते हैं नहीं, हम कुछ अनएक्सपेक्टेड पार्ट को एक्सपेक्ट करके भी क्वेश्चन बनाते हैं, वो चीज़ जरूरी है, बट हम ऑन द बेसिस ऑफ करंट सिनेरियो, ऐसा नहीं कुछ भी हम सोच लेंगे बड़ा बड़ा बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सबका क्लियर हो गया, हमारी चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई, क्या लॉजिक था, ओके। अब सुनो, यहाँ पे कुछ लोग पूछ रहे थे मेरे से, तो एक यहाँ जो मैं पहले भी इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ और आपको भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, एक इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन ये है कि हमें ये रहता है कि हम कहाँ से प्रैक्टिस करें, कहाँ से प्रैक्टिस करें, और रीजनिंग में सबसे बड़ा सवाल है पजल की प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो भाई बहुत दिन की मेहनत के बाद, लगातार मेहनत, और आज से मेहनत नहीं है, 2-4 साल से मेहनत, तो 2-4 साल की मेहनत जो लगातार चल रही थी, उस मेहनत की एक दिशा देते हुए एक मैंने अपनी पजल मास्टर्स, सिटिंग एंड पजल मास्टर्स की बुक लॉन्च करी है। जिसको नहीं पता है, जिसको पता है अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों ने उसको परचेज भी कर, मतलब बुक भी कर दिया ऑर्डर, सिटिंग एंड पजल मास्टर्स, बहुत सारी मेहनत के बाद ये एक बुक है जो कि लॉन्च हुई है परसों, हार्ड कॉपी है इसकी, इंग्लिश एडिशन है, हार्ड कॉपी है, पहले ई बुक था लेकिन ये हार्ड कॉपी है, ये लॉन्च हुई है पजल मास्टर्स, इसमें 4 पार्ट हैं, ठीक है, सारे टाइप की पजल, ऑल टाइप ऑफ पजल्स, टाइप ऑफ पजल्स एंड सिटिंग, ऑल टाइप ऑफ पजल्स एंड सिटिंग विद एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन एंड अप्रोच, ये आपकी लॉन्च हुई है और इसकी बुकिंग चल रही है, जिसके बेसिस पे आपको ये डिलीवरी हो जाएगी विद इन 10 to 15 days, आप कहीं भी जाते हैं तो आप ऑर्डर करते हैं, आपको मिल जाती है, ठीक है। ई बुक नहीं है, हार्ड कॉपी है, ये इंग्लिश मीडियम में हार्ड कॉपी है, लगातार प्रयास के बाद, बहुत दिनों के प्रयास के बाद मैंने एक लॉन्च की है, और मुझे बस आपको एक बहुत खुशी मिलती है, एक किसी भी पर्सन को खुशी मिलती है कि अब वो उसकी मेहनत वो करे और वो उसकी मेहनत लोगों को पसंद आए, लोग अप्रिशिएट करें, ऑफकोर्स हर किसी का मन होता है। तो ई बुक था, उसका छोटा पार्ट था, लेकिन इसमें क्या बड़ा पार्ट है, इसमें 1000+ क्वेश्चन हैं, हर टाइप के क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है, ऑल टाइप ऑफ पजल्स, ऑल टाइप ऑफ सेटिंग, जो भी आपका एक्सपेक्टेड पार्ट भी हो सकता है, जो एक हम अपकमिंग एग्जाम के लिए सोच सकते हैं वो, एंड प्लस इसमें मेमोरी बेस्ड भी सारे क्वेश्चन हैं जो 2018 के हैं, चाहे वो SBPO मेंस के हैं या क्लर्क मेंस के हैं, सो मेमोरी बेस्ड भी हैं इसमें, जो आपके 2018 के सारे मेमोरी बेस्ड हैं, चाहे वो SBI हैं, चाहे वो IUPS हैं, और चाहे वो RRB है,
बेसिकली जितना भी हैं, चाहे वो आरबीआई ऑल्सो, तो जितने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं वो भी इसमें इंक्लूड किया गया, उसका भी एक पार्ट है। तो सारी चीज़ें आपकी हैं, और आज मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपका एक यहाँ पे कोड भी चल रहा है 20% डिस्काउंट के लिए, एग्जाम 20। इस कूपन कोड को आप डाल सकते हैं और 20% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। बुक है 349 की, तो 20% का डिस्काउंट इस पे यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो एक बार दिखा दो स्टोर से सर, मैं बता देता हूँ सबको। हाँ, हर पॉसिबिलिटी का अलग अलग केस है मधु, बिल्कुल। जैसे ई बुक था ना, ई बुक का भी है, और अच्छा ई बुक के साथ में उसमें 500 क्वेश्चन थे, इसमें 1000 क्वेश्चन किए हैं। जैसे आप स्टोर पे खोलोगे, स्टोर पे पब्लिकेशन पे जाओगे, पब्लिकेशन खोलना सर, पब्लिकेशन पे जाओगे, पब्लिकेशन पे जैसे ही आप गए, पब्लिकेशन पे जाने के बाद फोर्थ नंबर की बुक है, जहाँ पे लिखा हुआ राधे की रीजनिंग सिटिंग एंड पजल मास्टर्स 1000+ क्वेश्चन। ये अभी परसों लॉन्च हुई है, परसों लॉन्च हुई है, नंबर ऑफ बुकिंग इसमें काफ़ी हो चुकी हैं, और जो फर्स्ट प्रायोरिटी में जो 31 तक जो बुक हो जाएंगी उनको फर्स्ट डिलीवरी का स्लॉट जाएगा। ठीक है, ये क्लिक करते ही आपको यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश प्रिंटेड एडिशन है, ठीक है, और यहाँ पे 1000+ कुछ सॉल्यूशन है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है, मोर देन 15 टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, लेटेस्ट मेमोरी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हैं, इंडेक्स इसका दिया हुआ है, इंडेक्स में आप जाके देख सकते हैं, इंडेक्स में एक बार क्लिक कर दो, इंडेक्स भी दिया हुआ है नीचे, आप क्लिक स्क्रॉल करिए सर, तो प्रीफेस है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करिए, ये आपको पूरा ओवर इंडेक्स दिया हुआ है सारा जो है। हटाइए सर, जितना भी टाइप है मैंने बनाया हटाइए, तो जितना भी टाइप है, ऑर्डर कंपैरिजन, फ्लोर बेस्ड या ट्रायंगल बेस्ड, जितने भी सिटिंग के टाइप है, जितने भी पजल के टाइप है, सारे इंक्लूड किए हैं। तो गाइज, अगर आपने ऑर्डर कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कर सकते हैं, और जिन्होंने ऑर्डर कर दिया उसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, क्योंकि द पॉइंट इज, सबसे मेन पॉइंट होता है राइट सोर्स, जैसे हम तैयारी कर रहे हैं राइट सोर्स, जैसे राइट सोर्स होना चाहिए जो हम प्रैक्टिस करें, जिससे कि हमारा कन्फ्यूजन ना बढ़े जबकि कम हो। एक्चुअली क्या होता है, जब हम एक अलग अलग सोर्सेज से प्रैक्टिस करते हैं तो कभी कभी कन्फ्यूजन उल्टा बढ़ जाता है। तो पॉइंट क्या है कि राइट सोर्स का मतलब होता है, ऑथेंटिक सोर्स का मतलब होता है कि आपका कन्फ्यूजन कम होना चाहिए ना कि बढ़ना चाहिए। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, जैसे हम कहते हैं फ्लोर के रेस्पेक्ट में कि टू फ्लोर बिलो, तो वहाँ पे बीच में एक फ्लोर होता है, बहुत से लोग दो फ्लोर लेके चलते हैं, तो वो अपना गाना लेके चल रहे हैं, वो अपना उनको ट्यून बना रखी उन्होंने ना, तो ऐसे नहीं होता है। हमें क्लैरिटी होती है कॉन्सेप्ट की, जो कि हर जगह एक सेम जैसा होना चाहिए, चाहे हम रीजनिंग कहीं भी बात करें, कॉन्सेप्ट हमेशा सेम होता है। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे चीज़ों को बनाया जाता है, क्वेश्चंस को बनाया जाता है, फिर वो चीज़ें उस तरह से। और एग्जाम ओरिएंटेड बहुत जरूरी है, कि हम ऐसा नहीं कि बहुत सारा हमने बहुत फुल एडवांस ऐसा डाल दिया जो एग्जाम में आता ही नहीं, ऐसा नहीं, एग्जाम से रिलेट करता हो, मस्ट बी रिलेवेंट कंटेंट, मस्ट बी रिलेवेंट, मस्ट बी ऑथेंटिक, मस्ट बी कॉन्सेप्चुअल, ये सारी चीज़ें बहुत विचार करने के बाद अब चीज़ें आपकी आती हैं। तो मेरी ये पहली हार्ड कॉपी है, वैसे ई बुक पहले भी आई है बट हार्ड कॉपी पहली है। ठीक है गाइज, तो थैंक यू सो मच, मिलते रहेंगे, लव यू ऑल।